कैसा लगा भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसा है? इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा, बाकी खाने का मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी हमने टेस्ट ही नहीं किया। गाइस हमने ना अभी खाना टेस्ट भी नहीं करा है, बट अंदर घुसने के बाद ना अलग सी स्मेल सी आ रही थी, तो मन सा नहीं कर रहा अंदर जाने का ज़्यादा, ठीक है। और फिर आगे चलते हो सके तो मन्नत हवेली पर ही दोबारा जाना पड़ेगा। चलो फिर मिलते हैं। फिर भाई मजा सा नहीं आया, मजा नहीं आया अंदर जाके। और ना कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो गाइज हम आ गए हैं मन्नत हवेली पर, और सच बता रहा हूँ कि अगर आपको खाना खाना है ना तो यहीं आना चाहिए, बहुत स्वाद खाना होता है। और वैसे थीम्स वगैरह और फैंसी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह रहता है उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक खाना अच्छा ना हो। और ये खाना यहाँ का हमें बहुत पसंद आया था, हम पिछली बार भी आए थे। आई बटन में आपको लिंक दे रहा हूँ मैं, आप पुराना व्लॉग हमारा देख सकते हो। बट आज कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे मन्नत हवेली को। चलान काटो, ट्रिपलिंग कर रहे हैं बिना हेलमेट के। ओ तेरी, 5 बैठ सकते हैं इसमें तो। दो इम्प्रेशन है, एक इम्प्रेशन पहलवान ढाबे पे था जब हम घुसे थे तो एक अलग सी स्मेल आ रही थी, शायद कंस्ट्रक्शन की आ रही हो, बट यहाँ अंदर घुसते ही ना प्योर खाने की स्मेल आती है। दिस इज नॉट बदबू, दिस इज खुशबू। वाओ, खाना खाने से पहले ना खाना खाने की खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है।
गाइस अपना ऑर्डर हो चुका है। अपन ने ऑर्डर करा है क्या, एक शाही पनीर, एक दाल मखनी, रायता और बटर रोटी। हमने तो बटर नान मंगाए हैं चार, कोई पुरानी वाली थीम जो आपकी बताई थी, बहुत भारी है बर्तन, बहुत भारी है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये बर्तन जो है ना, ये बार में भी इस्तेमाल हुए होंगे, बहुत भारी है। मतलब बहुत भारी बर्तन है, मेरे को नहीं पता कि इनकी थीम ऐसी क्यों है, बट पुरानी थीम है इनकी। खाना ना स्वाद था, मज़ा आ गया, मज़ा पेट भर के खाया है सबने। हाँ भाई, खाना कैसा लगा सर आपको? खाना खाने का तो मैं ऑलवेज फैन हूँ यहाँ का, मन्नत है मिलेगा खाना मैं सबको। ये भाई पहली बार आया है। हाँ जी, कैसा लगा सर आपको? क्या मज़ेदार एकदम, जितना इन्होंने बताया था उससे ज़्यादा मज़ेदार है। एक बार आप भी आइए, खाना बहुत स्वाद था भाई, बहुत स्वाद था। जो पहली बार आया और जो तीसरी चौथी बार, हम चौथी बार आ रहे हैं, खाना बहुत स्वाद है। खाना खाना हो अच्छे से, यहीं आओ। इतना डाइजेस्टेबल है, बंदा चार बार आ गया, अब देखो कहीं फैट चढ़ा हो तो। बताओ सर्विस के बारे में, बताओ सर। सर्विस यहाँ की बहुत ही क्विक है, तुम सोचोगे नहीं तुम्हारे टेबल पे सर्व हो जाएगा इतनी क्विक सर्विस। मतलब ना खाना है ना, मतलब उसी टाइम पे ऑर्डर करना वापस, जैसे मतलब आपको रोटी वापस ऑर्डर करनी है तो तभी करना जब ख़त्म हो गई हो, तुरंत सर पे लेके खड़े रहते हैं, बहुत जल्दी आ जाते। कढ़ाई पनीर 265 रुपये, दाल मखनी 225 रुपये, मिक्स वेज 210 रुपये, पाइनएप्पल रायता 105 रुपये, मिनरल वाटर 29 रुपये, बटर नान चार लिए हमने 260 रुपये की, बटर रोटी सात लिए हमने 231 रुपये की, टोटल बना है 325 रुपये, जिसमें टैक्स लगा के 1391 रुपये, यानी 1391 5% टैक्स लगाए जी, एस जीएसटी और सीजीएसटी को मिला के। तो गाइस अब हम लेंगे इसके ड्रोन शॉट हवेली के, और आसपास का एरिया भी कैप्चर करेंगे, और हमने परमिशन ले ली अंदर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से, वो कह रहे हैं कि पब्लिक डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए और आप कैप्चर ले सकते हो, इसका वीडियो ले सकते हो, इसकी इमेज ले सकते हो, काफ़ी सुंदर बना हुआ है, तो इसलिए इसको एरियल व्यू से तो देखना बहुत बनता है यार, ठीक है ना। तो चलो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं।